रामराज कमार की, बोल थोली ध्वजा रे धनी की, सफेद ध्वजा। देवी जी ने जाने की बात की, कोई मिलने आया, लेकिन इस सवाल का जवाब जान के जाना चाहते। असल बात यह है कि धोली ध्वजा किसी देवता को नहीं चढ़ती सिवाय रामदेव जी के। इसका कारण, सफेद ध्वजा ग्रहण करने का अधिकार उन्हीं को होता है जो अजन्मे होते हैं। जैसे शिव को चढ़ती है धोली ध्वजा, रामदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं, जन्मे नहीं किसी की कोख से। भादुड़ेरी दूजी ने कहीं बोले था, भादुड़ेरी दूजी ने जद चंदो करे गो प्रकाश, रामदेव बनकर गए। यानी मैं कोख से जन्म लूं। पहली बसंत पंचमी में बलदेव माता मैनादेवी की कोख से जन्म लेसी राजा। भादुड़ेरी दूज ने जद चंदो करे गो प्रकाश, रामदेव बने आवसू फेरा को मन दिसवा। भादवा सुदी दू सम्मत 1461 शुक्ल पक्ष शनिवार को दिन सातु संजा बिरमदे का पालना मा करके चूंतियो भरे। यानी रामदेव जी जन्मे नहीं प्रगटे हैं, और जो अजन्मा होता है उसी को सफेद रंग की ध्वजा चढ़ती है। जैसे कि शिव, भगवान शिव अनादिकाल से हजारों ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता चलती है, ऐसे काशी विश्वनाथ उनको सफेद ध्वजा चढ़ती है। गणेश जी के माता पिता तो है भोलेनाथ, लेकिन भगवान भोलेनाथ के माता पिता कोई नहीं। संसार ही ओंकारमय है, इस सारी पृथ्वी ओंकारमय है, पूरा ब्रह्मांड ओंकारमय है। ओम रामदेव जी को अजन्मा जानकर बालीनाथ जी ने सबसे पहले सफेद ध्वजा हाथ में दी। उसके बाद भाला पकड़ाया, जाकर उस भैरव राक्षस के कोप से मेरी प्रजा को सुखी करो। सारी मानदाता सातलमेर का निवासी शरण में गया, बाबू शरण में लियो, भाला की नोक से शीला सरकाई, राक्षस को अंत करियो। बी टेम जो भालो दिया था, बी पे ध्वजा लहरा रही थी, ए आगे आगे भैरूड़ ने लारे बाबू राम दे, अरे लीले री असभारी ताले लागी जियो, गुम्मा 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 रे कावे अच मानला, लाता रो पानी ही पावा जियो, गुम्मा 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 रे कमरी अजमान लेरा। आगे आगे भैरुड़ ने लारे बाबू राम दे, लीले री असवारी लारे लागी। उस वक्त बाबा की ध्वजा फहरा रही थी लाल और सफेद। आते से गुरुदेव को पूछा कि इसका रंग ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? एक बालक जहां अपने मन की तृष्णा शांत करता है उसे कहते हैं गुरुकुल। गुरुदेव ने सारा ज्ञान दिया, निजा धर्म की सीख दिवाई, संदेश बताया, अपने मार्ग पर चलने का वचन लिया। उसके बाद रामदेव जी महाराज जब रुणीचा पहुंचा तो घोड़ा पर सवार हाथा में ध्वजा लेकर जब रामदेव जी ने देखा तो सारा का सारा बोल बढ़िया जितना भी था। झुन बाजे घुगरा, झुन बाजे घुगरा, छम छम बाजे घुगरा, छम बाजे घुगरा, ओढ़िएरा बाजे पोड़ जी, ओढ़िएरा बाजे पोड़ जी, ओली ले जी।
झुन बाजे घोगरा रुन झुन बाजे घोगरा घोल लीरा बाजे पोड़ जी घोल लीरा बाजे पोड़ जी लीलेरी असिवारी वाला लीलेरी असिवारी वाला अगम हर रामा पीर जी हो धरारे मारेगा छम धरारे मारेगा आयो अलबेलो सिवारी जी आयो अलबेलो सिवारी जी होली लोही से धरती गूंजे होली लोही से धरती गूंजे असुर गया सारा भाग जी झुन बाजे घोगरा छम छम बाजे घोगरा घोड़ नीर बाजे घोड़ जी घोड़ नीर बाजे प्रसाद के वाटर की व्यवस्था राम सपीर मित्र परिवार से निवेदन है प्रसाद का वितरण और देवी जी को बाबा के दरबार से फल लेकर जाने के लिए मैं निवेदन करता हूं। ओम इदं फलं मया देवस्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। इसी तरह ये रामदेव जी के भक्ति का परिचय है। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए रामदेव जी ने अपनी समाधि डाली को दे दी। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए इतना काम रहने के पश्चात भी देवी जी ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूंगा। इस बात के लिए मीठी तालियों से स्वागत। सीताराम बाबा सेवा समिति के सभी उपस्थित भक्तों के चरण कमलों में वंदन करता हूं और बाबा की आरती के लिए मैं बोलो भाई क्या बात है। देखिए ऐसी आज तक की इनकी कोई आज्ञा नहीं है जो मैंने टाला हो। ये बात पक्की है। क्यों कि अगर किसी की आज्ञा मान लो तो उससे क्या होता है अगला दिल से दुआ देता है। अगर किसी की आप इच्छा पूरी करते हो तो क्या करता है वो दिल से दुआ देता है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती और दिल से निकली बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बोल संत सरनाथ महाराज की। इसलिए दिल से दुआ लेने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। इनकी भाषा का इनके भाव का इनकी अंतरात्मा का सम्मान करते हुए एक इनकी इच्छा पूरी आपसे भी कर रहा हूँ कि आपकी भी इच्छा पूरी अगर खुद की इच्छा पूरी करना है तो अवश्य बोलिए। बोलना चाह रहे बोलिए। हाँ एक उसके पश्चात अपने बाबा का श्रृंगार करके आरती होगी। सभी यजमानों से नजदीक बुलाकर समय न लगे उसमें। आज के जो भी दैनिक यजमान है दिव्य कलश के यजमान है श्रृंगार के यजमान है आरती के यजमान है उन सब परिवारों से निवेदन यहाँ नजदीक आकर खड़े हो जाए बाबा का गुणगान श्रवण करते करते बाकी तैयारी आरतियों की महाराज जी कर रहे हैं। दैनिक यजमान जांगीर ब्राह्मण समाज
श्रृंगार के यजमान मेहुल नीतू सावला परिवार, प्रसादी के यजमान मनीष भावना सावला परिवार और महाआरती के यजमान प्रदीप चौहान परिवार और अमृत कलश के यजमान दर्शन जी पुरोहित एवं ललित जी पालीवाल परिवार, इन सभी परिवार से मेरे निवेदन है कि कृपया वो मंच के करीब आ जाए ताकि ये होने के बाद में तुरंत ही हम वो कार्यक्रम अपने हाथ में ले लें। और जो पूजन नहीं किए यजमान ने, उन यजमानों से निवेदन है कृपया बैठकर अमृत कलश का पूजन करें। तेरे भजन गाऊं हो के मगन, लिखूं तेरे
मुझ पे तेरी निगरानी रहे, निगरानी रहे। मनमानी रहे, मनमानी रहे। रामा धनिया से कोई तुरंत में रुनीचा जाने वाला है, कोई किसी का प्लानिंग, कोई टिकट बनी हुई नहीं? दिवाली बार 22 तारीख को कथा समाप्त होगी और 23 तारीख को देवी जी ने अभी कहा बहुत कोई जरूरी काम है पंडित जी, 23 तारीख को जितना जल्दी बन सके मिलना चाहते, घर पे बुलाया है, जो भी काम होगा 23 को आ जाऊंगा और 23 तारीख को दोपहर की हाथ मेला और भजनों की गंगा के साथ साथ
हर किसी के मन में तेरे प्रति श्रद्धा जगाने का, विश्वास जगाने का, भक्ति भाव जगाने का मैंने जो भी सफल प्रयास किया होगा बाबा, एक अर्जी एक विनती, अगर मेरे प्रयास में कोई कमी रही है तो भूल चूक माफ करते हुए एक अर्जी लगाने के लिए आया हूँ रामा पीर, ए रामदेव जी महाराज, और बाबा का समाधि के सामने एक बार जरूर बोलूंगा। करनी है एक बात बाबा, चुप के थारे से करनी है एक बात, वो करनी है एक बात बाबा, चुप के थारे से बस आख्या के इशारे से, करनी है एक बात बाबा, चुप के थारे से करनी है एक बात, करनी है बस आख्या के इशारे से, करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके तारे से करनी है एक बात। सब जानो हो दादा की बात को दुख है, वो सब जानो हो बाबा की बात को दुख है, हो रामा धनी सब जानो हो दादा की बात को दुख है, हो रामा धनी मेहर करो, थारे द्वारे आयो हूँ मैं भाव सजायो हूँ, थारे द्वारे आयो हूँ मैं भाव सजायो हूँ, दयालु कृपा तो करो, बोल दो ना आज काई गलती हुई मारे से, बोल दो ना आज काई गलती हुई मारे से, बस आख्या के इशारे से करनी है एक बात बाबा, चुपके थारे से करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके थारे से आख्या के इशारे से करनी है एक बात बाबा, चुपके तारे से करनी है एक बात। परचाधारी ते कुहाओ परचाही दिखाना से, परचाधारी थे कुहाओ परचाही दिखाना से, बस आख्या के इशारे से करनी है एक बात बाबा, चुपके धारे से करनी है एक बात, हो करनी है एक बात बाबा, चुपके धारे बस आख्या के इशारे से करनी है एक बात, वो करनी है एक बात। बोले रामाराज कमार की, मेरे लिए दुआ करना,
अंतर मन से चाहना कि बाबा की और मेरी बात हो जाए। मैं हमारे रामाकिशन जी शर्मा जिन्होंने इस कथा में अपनी ओर से स्वेच्छा से जो भी योगदान दिया उसको स्वीकार करते हुए मैं उसका स्वागत करने के लिए यहाँ निवेदन कर रहा हूँ। और दूसरी बात, बाबा की आरती आज आनंद के साथ, क्योंकि आज एक भक्त ने पूछा, बोले पंडित जी जोत नहीं दिख रही। जोत का 6 दिन लगातार उग्र रूप होता है, सभी प्रकार की जोत हम देखते, ये भी वो भी, सब लोग आहुति देते हैं निरनिराले मन के भाव सजा कर। पंडित गिरधारी लाल जी से निवेदन है, हाँ ये अजी आपके हाथ से देोगे तो इधर इधर हटा हाथ लगाओ जब तो लाक्षी की। पंडित गिरधारी लाल जी, बाबा का ऐसा कोई जम्मा जागरण नहीं जहाँ पर गुरु जी न दिखते हो। मैंने गवाह है कि मैंने खुद पत्रिका दी कि पंडित जी आप जरूर आना हर किसी के घर पर। सुभाष जी चांडो को पूछिए, वो कहेंगे, हर जी पूछेंगे, नरेंद्र जी मालू बोलेंगे, विजय जी दुबे बोलेंगे कि नहीं पत्रिका लेके मैं स्वयं गया था। किसी से मुलाकात नहीं, कोई काम से बाहर गया है, किसी काम से गया, लेकिन पूरे 1850 घरों में मैं जाकर पत्रिका दिया हूँ खुद हर किसी के यहाँ। हिवरी नगर में भी हर घर में, देशपांडे लेआउट हर घर में, वर्धमान नगर में हर घर में, अभ्यंकर नगर, झंडा चौक, वाड़ी, बुट्टी बोरी, हर जगह जाकर अपने मन का भाव रखा। ज्योत का उग्र होता है रूप, और जिस दिन रामदेव जी की समाधि है एकांत ज्योत में, ज्योत लीन हो जाती है। अगली कथा के 5 दिन बुक हो गए हैं, अगले पितृपक्ष के 2 दिन बचे हैं। अगले पितृपक्ष में रामदेव जी के जैसे मैंने जन्म से समाधि तक की, अब समाधि के पश्चात बहुत पर्चे है बाबा के, हरजी भाटी का पर्चा, बक्सा खाती का पर्चा, रानी रूपादे का पर्चा, दल्लू वाणी का पर्चा, गुजराती हेला वगैरह आप सुनते हो ना, ऐ रनु चाना राजा अजमाल जी ना कौरा, ये बहुत बाद में का। सबसे पहला जम्मा गायक कौन जिसने बाबा की अलग जगाई, हरजी भाटी की पूरी कथा, जैसे डाली बाई की आपने कथा डाली की, जिसको आनंद आया होगा डाली की कथा में एक बार रामदेव जी की सौगंध है, जिनको आनंद आया होगा वही जय जयकार करना, बोल रामदेव जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने इसी तरह से हरजी भाटी की कथा में डूब जाओगे जैसे डाली की कथा में डूब गए। कल भैया परिवार ने लाभ उठाया, मैं आप सभी से मनपूर्वक कह रहा हूं कि कल बाबा की जोत में एक आहुति, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, आप मन से दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर है तो श्री रामदेव विष्णुपाद महायज्ञ श्रद्धा से ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, बाबा से अर्जी करें। और मैं हाँ कमल जी तापड़ी है, इन्होंने 7 दिन लगातार सेवा दी। ओम प्रकाश जी लड्डा लगातार सेवा दी, मैं इनके घर गया, मैंने कहा आज तक तापड़िया जी लड्डा जी मैंने आपसे कभी कुछ मांगा, बोले नहीं, मतलब अभी भी नहीं मांगूंगा, आगे जीवन में भी नहीं मांगूंगा, सिर्फ 7 दिन मेरी कथा में आप अपने ओर से जो आपको करना है, तन से मन से धन से, ईश्वर साक्षी है, चंदा नहीं लिया, यहाँ जो कुछ आएगा बस उसी से कथा होगी। डाली के अंदर कथा में आपने देखा कि शब्द देना नहीं, दिया तो उसे पालना। बाबा की हर कमिटमेंट को पूरा करने का पूरा प्रयास किया हूं, और मैं निवेदन कर रहा हूं आगे की कार्यवाही। अब बाबा की आरती की तैयारी के लिए सभी यजमानों से निवेदन है, कृपया नजदीक जाकर तैयारी करें। जो यजमान है उनके नाम मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। आज के हमारे दैनिक यजमान थे श्री जांगीर ब्राह्मण समाज सेवा संघ, उनके प्रतिनिधि कृपया ऊपर आ जाएं। श्रृंगार के यजमान श्री मूलचंद वेरशीबाई सावला एवं सौभाग्यवती नीतू मेहुल सावला। हाथ प्रसादी के यजमान थे स्वर्गीय मातश्री मणिबेन की स्मृति में तरुण चेतन मनीष मेहुल, ये सावला परिवार। महाआरती के यजमान स्वर्गीय मातश्री केशरबेन चतुर्भुज चौहान की स्मृति में प्रदीप रमेश चौहान परिवार। और अमृत कलश के यजमान अमृत कलश के यजमान
श्री दर्शन किशन गोपाल जी पुरोहित एवं श्री ललित रामचंद्र जी पालीवाल परिवार। ऐसे ही हमारे कल के एक यजमान यहाँ पर उपस्थित है जो यज्ञ वेदी के यजमान है, स्वर्गीय मदन लाल जी एवं जमुना देवी की पावन स्मृति में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री दुर्गा प्रसाद सारडा परिवार। इनसे भी आग्रह है कि आप सबसे गुजारिश है कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहे, आराम से बाबा का श्रृंगार। बहुत अच्छी आरती होंगी, एक नए तरीके से आरती होगी। आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब लोग अपने अपने स्थान के ऊपर में ही खड़े रहिए, बहुत ही शांति से हमको आरती करने का है। मैं आरती के पहले कुछ शब्द जो हर बार बोलता हूँ शब्दों के साथ में, फिर हम आरती की ओर अग्रसर होंगे। खड़े रहो, खड़े रहो। रामदेव बाबा की आरती के अंदर में एक शब्द आता है, जैसी जाकी भावना वैसो फल पावे। इसके ऊपर मैं अपने शब्द आपको सुना रहा हूँ, कभी सुन लीजिए और साथ में लेके जाइए कि कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा, वैसा प्रभाव मिलेगा। एक दो मिनट ले रहा हूँ आज के श्रृंगार यजमान से, जितने भी सब यजमान है क्योंकि देर न होने पाए सब मिलकर। हर दिन तो आप सभी से निवेदन है, जो यजमान है वही बाबा की सेवा में यहाँ खड़े रहें। हमारे आज के दैनिक यजमान जांगिर ब्राह्मण समाज है, निवेदन है कि ब्राह्मण समाज से कोई भी एक जोड़ा मंच पर व्यासपीठ पर खड़े रहकर आरती करें। बोल रामाराज कवारी की, चलिए आरती। ओम्हारा बाबा ने हार पहराओ ना भगत, म्हारा बाबा पे सुगंधी बरसाओ। ओ म्हारा बाबा ने हार पहराओ भगत, म्हारा बाबा पे सुगंधी बरसाओ। हो रामा धनिया को माने बढ़ाओ, ओ म्हारा बाबा ने हार पहराओ। स्थान का राजा है, रुनीचा का महाराजा है ये, राजस्थान का राजा है ये, रुनीचा का महाराजा है। आज श्रृंगार करने में क्यों पीछे है? श्रृंगार के यजमान यहाँ हार मैं पहनाओ बोल रहा हूँ और हमारी बच्ची लेकर खड़ी है, तो जो भी है कोई श्रृंगार करो, कोई हार पहनाओ, कोई सुगंधी बरसाओ, कोई इत्र चढ़ाओ, कोई छत्र चढ़ाओ, बाबा की आरती करनी है। ओ मारा बाबा ने छत्र चढ़ाओ ना भगत, हमारा बाबा ने इतरी चढ़ाओ। चढ़ाओ ना भगत, मरा बाबा पे इत्र बरसाओ। हो रामा धनिया को मान बढ़ाओ, हो मरा बाबा को मान बढ़ाओ। क्योंकि राजस्थान का राजा है ये, धोनीचा का महाराजा है ये, राजस्थान का राजा है। बाबा ने तुर्रो लगाओ, मरा बाबा ने छतरी चढ़ाओ ना भगत, मरा बाबा ने तुर्रो लगाओ। हो मरा बाबा ने भोग लगाओ ना भगत, मरा बाबा ने मेहंदी लगाओ। रामा धनिया ने चादर चढ़ाओ, हो हमारा बाबा को मान बढ़ाओ। क्योंकि राजस्थान का राजा है, रुनीचा का महाराजा है, राजस्थान का राजा है।
राजा का महाराजा है। रामदेव जी चौधरी आइए आइए। जजमान है कैला जी शर्मा, प्रमोद जी धीरन वीरेंद्र और मैं हिंगना से पधारे हमारे शर्मा जी से निवेदन है, लंबी करके चारों हाथ चारों कोने। ब्रिजेश जी शर्मा हो, हमारा बाबा ने चादर भगत पे मारा, बाबा ने चादर चढ़ाओ, हो मारा बाबा ने चादर चढ़ाओ ना, भगत पे मारा बाबा ने चादर चढ़ाओ, रामा धनिया को मान बढ़ाओ, ओ मारा बाबा को मान बढ़ाओ, क्योंकि राजस्थान का राजा है, नीचा का महाराजा है, राजस्थान का राजा ही है, रूनी चा का महाराजा ही है, आखिरी भेंट अपनी ओर से कमल जी तापड़िया को, जिन्होंने एक मिनट जिन्होंने आज अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करके बाबा के चरणों में अटूट सेवा दी है, बहुत बहुत मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। इसी भावना के साथ खट्टा भाई फोटो वालों, यही तो मेन फोटो है, इधर है, बहुत अच्छी बात। अप्सरा इंटीरियर मॉल की तरफ से जो आए हुए प्रतिनिधि, उनसे निवेदन है कृपया स्नेह भेंट स्वीकार करें। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। अप्सरा मॉल इंटीरियर, दो मुस्लिम भाइयों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, अल्लाह रखे, बहुत अच्छी बात। इसके पहले कि हम लोग आरती की ओर अग्रसर हो, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि इसके पहले हम लोग आरती की ओर अग्रसर हो, मैं चाहूँगा दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी लोग जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे जो लोग रहते हैं वो लोग जो कार्य करते हैं उसकी वजह से ही ये कथा या कोई भी कार्यक्रम सफलता की बुलंदियों पर पहुँचती है, और वो दो जनों को आज मैं मंच के ऊपर मैं बुलाऊँगा, क्योंकि मैं एज ए एंकर यदि उन लोगों को नहीं बुला पाया, उनका स्वागत और उनका सम्मान नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप को बड़ा ये महसूस करूंगा कि गिल्टी फील करूंगा कि ऐसे लोग जिन लोगों ने दिन रात एक कर दी इस कथा को सफल बनाने के लिए, उसमें एक है मिसेज ज्योति राजेंद्र शर्मा, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आएँ, और दूसरे हैं राजेंद्र जी के सुपुत्र श्री विक्रम राजेंद्र जी शर्मा, दोनों से आग्रह करूंगा कि वे दोनों मंच पर आएँ, और इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीपाली जी अग्रवाल को, हमारे बीच दीपाली अग्रवाल उपस्थित हैं, वो उनसे गुजारिश है कि कृपया इनका स्वागत करें। विक्रम कहाँ हैं, आइए आइए, जिनके भी हाथ खाली है, जिसके हाथ में थाली नहीं है, वो कृपया ताली बजाकर हाथ ऊंचा करके एक बार जोरदार अभिनंदन इन दोनों का। पंडित जी बोल रहे थे कि मेरे साथ में जो फोटो लिए वो विशेष है, मैं कहूंगा कि ये फोटो जो है ये विशेष है, एक बार जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियां। एक भाव मैं भी अपने मन का रखना चाहूंगा कि मेरे पिता और मेरे गुरु योग्य होना चाहिए, और जिस दिशा में मैं बढ़ना चाहता हूँ उसमें कई आगे बुलंदी छूने वाले मेरे पिता और मेरे गुरु पंडित राजेंद्र जी शर्मा और मैं दोनों यहाँ ऐसे दिखते हैं, उसके पीछे सच में अगर बहुत 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 बड़ा जिसका हाथ है, ऐसे मेरे बड़े भाई विक्रम शर्मा, इनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। बालाजी मालिक हरि अवतार की। चलिए आज इस बार पंडित जी का और सागर का तो हमने बहुत स्वागत किया, अभी ज्योति जी का और विक्रम का भी हमने स्वागत किया, और आज सबसे बड़ी बात इस कथा के दरमियान पंडित जी ने एक बात कही, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो गद्दी है, ये गद्दी मैं
सागर को सौंपता हूँ, तो सागर से मैं निवेदन करता हूँ, सागर के लिए ये शब्द है। आज तक के मैंने आप लोगों के लिए शब्द कहे, आज ये शब्द मैं सागर के लिए कह रहा हूँ कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं आग्रह करूंगा कि आरती की ओर हम प्रस्थान करें। रवि जी, रवि गोपाल जी शर्मा, कृपया यहाँ कर एक मिनट के लिए आए। तो आइए सब मिलकर बाबा से आरती करते हैं। रवि गोपाल जी शर्मा, हो करूं आरती आपकी बाबा करनी जो स्वीकार, मैना डेरा ला डेला नेतलरा भरता, चा मन सु थाने जाके मैं था को आशीष पाऊं। बोले रामदेव जी महाराज की। हो रामा श्यामा आव जो, हो प्रभु हुई गुड़ने असवा, राजा रामा रामा पीर मारा पिछम करारा राजा, ए गड़ी तो रोनी चा में बाज रया बाजा मारो, हेलो संभाल मारी अर्जी सामड़ो, हे हो हो बाबा, हो रामा रामा पीर मारा पिछम करारा राजा, हो रामा रामा पीर मारा पिछम करारा राजा, बाज रहा बाजा मारो हेलो संभाल मारी सायल सांभो, ये हो हो मीहा धारा बालक मारा लीलेरा असवार, 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 ओ हेलो मारो हो अर्जी मारी और सायल मारी सामड़ो, ध्वजा पंडितार मारो हेलो संभाल मारी सायल सामड़ो, हे हो हो बाबा, ओ रामा रामा पीर मारा पिछम करारा राजा, रामा रामा पीर मारा पिछम करारा राजा, ओ करी तोरणी चम बाज रया बाजा,
जगया राम दे राम जनी ने जाधारी खाटा पर जा देवे बाप जी गजा सुनो के ढोल नगाया बजे तलोरा झांझरनी है झनकार हर चार कोट और चौदह भवन में अगन जोत मालक थारी हे में धरा सू मारो आलम राजा आवे कुछ में भी सासू मारो हिंदवा सूरज आवे रे ओ बोली धजा फरू खावे रामा धनिया जीवे बोली धजा फरू खावे रामा धनिया जीवे ओ राम देव रे राम देव रे लगता दो हल्ला तो राम देव रे राम देव रे लगता दो मारो हिंदवा सूरज आवे रे ओ थोड़ी ध्वजा फरू खावे रामा धनिया जीवे थोड़ी ध्वजा फरू खावे रामा धनिया जीवे ओ राम देव रे जन्म देव रे रंगना गो जी राम देव रे जन्म देव रे रंगना गो जो मैं आया खाते द्वार हाजरी लिख ली जो हाँ मैना डेरा लाल हाजरी लिख ली जो मरला महाराज कमाल हाजरी लिख ली जो रे ओरे 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 हो भाई सुगना भाई करे हरि आरती हरे जी भाटी चवर ढोले को मेरा माँ होवे हरि आरती ताली सुपना भाई करे हर की आर बोलो हरे जी भाटी चवर डोले तो ना मेरा माँ होवे हर की आरती सुगना बाई करे हर की आरती हर जियो भाटी चवर ढोले बैठो था मेरा मखोवे हर की आरती गिरत मिठाई बाबा चढ़ थर चूरमो गिरत मिठाई बाबा चढ़
की सुगना बाई करे हर की आर हर जियो फाटी छवर ढोले कहे कौन था मेरा माँ होवे हर की आरती भाई सुगना भाई करे हर की आर बोलो हरे जियो भाटी चवर ढोले पे कौन था मेरा माँ हो में हर की आरती हे दूरा राधे सोरा बाबा आवे रे जातरी हो दूरा राधे सोरा बाबा आवे थारे जातरी करी गाते निमल करे लच्छा भाई सुगना भाई करे हर की आरती हरे जियो भाटी चवर ढोले कहे कौन था मेरा माँ होवे हर की आरती हलावे जियो भोला छा भाई सुगना भाई करे हर की आरती हरे जी माटी चवर ढोले कहे कौन था मेरा माँ होवे हर की आरती हरी शरणा में भाटी हर जीरे बोलिया और खंडा में निशान फिरे लच्छा भाई सुना भाई करे हर की आरती हर जी भाटी कवर ढोले कर्पूर गौरम रणावतार संसार सारंभ केंद्र हारम सदा वसंतम हरियाणवी भवम भवानी सहितम नमामि नार माला कंकालकाय कपाल माला पित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे शांताकारं भुजागः शयनं पद्मनाभं सुरेशं हे विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं हो लक्ष्मीकांतं कमलनयनं हो योगनिर्जानकं देवेशं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुं तथा त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देव देव मम देव देव मम देव देव बुलच मलिक हरि अवतार की आखिरी
कथा विराम समापन पर आखिरी निवेदन है, अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि इस कथा में सहयोग देना चाहिए तो सामने कार्यालय में पांच बाबा के सेवक खड़े हैं, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार भक्ति अनुसार आप अपना योगदान अवश्य लिखाएं। राठी परिवार घर गया था आपके।